विगत 15 जून को उत्तराखंड में 12 श्रद्धालुओं की परिवहन दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवहन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। अभी इन्हीं कर्मचारियों की बहाली को लेकर कर्मचारी संघ प्रदर्शन कर रहा है। उत्तराखंड में 12 श्रद्धालुओं की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, इसके बाद जिम्मेदार कर्मचारियों को परिवहन ने नौकरी से निकाल दिया था। इन कर्मचारियों के समर्थन में कर्मचारी संघ के कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके संबंध में उत्तराखंड कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष ललित मठपाल का कहना है कि जब तक सरकार उन तीनों निर्दोष कर्मचारियों को नौकरी पर वापस नहीं लेती, तब तक ये धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 30-31 जुलाई और 1 अगस्त को पूरे उत्तराखंड प्रदेश के परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जाएगी। 15 जून को रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना में 12 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हुई थी। उसमें संघ ने पूर्व में शोक संवेदना भी व्यक्त की गई थी। वो गाड़ी तीन, जैसा सुनने में आया कि तीन राज्यों से होकर गुजरी भी, लास्ट में जाकर रुद्रप्रयाग में गिरी। जो गाड़ी गिरी तो उसमें हमारे मिनिस्टर जो चेकपोस्ट में थे उनको जिम्मेदार बनाया गया। संगठन ने इस पर जो है शासन से वार्ता करी और कोई बताया भी कि वो जो हमारे चेकपोस्ट है रात को 10 बजे बंद होती है और सुबह 4 बजे खुलती है। उससे पहले उस बीच वो गाड़ी वहाँ से निकली हुई है और उसमें जो हमारे मिनिस्टर कार्मिकों को उसमें निलंबित किया गया। उसमें हमने शासन से वार्ता करी, अपने मुख्यालय में वार्ता करी। वार्ता के उपरांत हमारी बात नहीं मानी गई तो प्रदेश नेतृत्व ने एक कार्यक्रम जारी करा, जिसमें हमने गेट मीटिंग की। 2 दिन हमने काला फीता बांध के अपना विरोध प्रदर्शन करा और आज और सोमवार को 2 घंटे 10 से 12 कार्य बहिष्कार। उसके बाद 3 दिन पूर्ण कार्य बहिष्कार का जो है संघ ने कार्यक्रम जारी किया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।